ऐसे आज से कि हम भी बहुत किया काले है? कोई बात सीधे से तो बता दो, नहीं तो तुम्हारे जुल्फे काट के सर मुंड देंगे और बहुत बढ़िया कुटुम्बस करके पुलिस का हवाले कर देंगे तुम। बताओ। हम संतोषी से मिलने आए थे। हम और संतोषी एक दूसरे से सच्चे वाला प्यार करते हैं। तो सच में कलाकार ही निकला। हमसे कहता था कि इसका फिल्म से नाता है, तो हम तो गलत मानते थे, लेकिन इसने तो आज शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया। हमारे घर वाले सब अब लोग सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? बोल रहा है सब बात संतोषिया। हाँ अब समझी तूने शादी क्यों नहीं की। इतनी ठंडी में बाहर सोएगी? बड़ी लंबी तैयारी करी तूने तो कि सब घर वाले सो गए तो इस छोरे के साथ। ची तो कहने में भी शर्म आती है, बोलेंगे तो अपना ही मुंह खराब होगा। आए तो यह जीजी इसको जब गलत काम करते हुए शर्म नहीं आ रही तुमको बोलते हुए काय को आए। संतोषिया तुमने तो नाक कटवा दी हमारी। वहां शादी करने के लिए मना कर रही थी और जहां पर अपने यार के साथ गुंडखाने उड़ा रहे। चाची छोड़ दो इसे। अम्मा पीछे चलो तुम। चाची सच बोल रहे हम नहीं जानते उसे। चुप एक तुम ही तो सच बोल रही हो ना। ये लड़का तो झूठ बोल रहा है। हमें नहीं पता था आप लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। हाँ सोचते हैं, सही सोचते हैं, लेकिन हमने कहा ना हमने कुछ ऐसा नहीं किया। ठीक है अगर आप लोग को लगता है कि हमारे यहाँ रहने से बिट्टू देव पे बुरा असर पड़ रहा है तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। देखिए जरा इस संतोषी की स्थिति भी तो आपकी कृपा से ही हुई है। इस अनुचित कार्य का भागी हमें ना बनाई दे। हम तो उन प्रेमी प्रेमिका के मिलन के लिए गए थे परंतु आपने हमें अन्याय में सहभागी बना लिया। हम एक बार भूल करके अपने ही रचयित ब्रह्मा के श्राप और भगवान शिव के हाथों भस्म हो चुके हैं। हमें हीरोइन कहते हो और खुद हीरो निकले। क्या धांसू एक्टिंग की हो। सबको तुम पे भरोसा हो गया। सब कुछ तुम्हारे लिए तो किया जाने मन। मार तो खा लिए हम। मार का दर्द तो हम अभी ठीक ही देते। मारी डालूगी का। अच्छा सुनो हमारे दोस्त का फोन आया था बंबई से और वो बोल रहा था कि तुम्हें सलमान खान की फिल्म में काम दिलाएगा। एक काम करो घर से पैसे जेवर सब 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 उठा लो और आ जाओ हमारे पास। फिर तुम्हारा मुंबई जाके हमने लाइफ सेट कर लेंगे। क्या बोलती हो? ऐसा है ना तो हम जल्दी इंतजाम किए देते हैं। हाँ करो इंतजाम करो। चलो अब बाय बाय।
संतोषी, अरे बेटा ये कपड़े क्यों फेंक रही हो? इस घर से मन उठ गया दादी, इस घर में रहकर क्या करेंगे जहाँ कोई मान ही नहीं। आज तक जो कुछ भी हुआ हंसते हंसते सह लेते थे, लेकिन हमारे चरित्र पर कोई उंगली उठाए ये नहीं सह सकते। अगर तुम इस घर में ना रहोगी तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे बेटा? जहाँ तुम वहाँ हो, जैसे आपकी मर्जी। चलो फिर इस पराए घर में हम एक पल भी ठहर नहीं सकते। वैसे भी हमें यहाँ से बहुत पहले चले जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्या मोह था जो हमें यहाँ रोक गया बेटा। अब हम अपनी दुनिया अलग बसाएंगे बेटा। शायद संतोषी माँ की यही इच्छा थी।